तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी की एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो मैं आपको वीडियोज़ डालता हूँ वो आपको विद प्रूफ डालता हूँ, कोई भी मैं फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। इसके साथ में दोस्तों, जो कल मैंने एक वीडियो डाला था बाड़मेर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मथुरा या आगरा एक्सटेंशन के बारे में, तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग कपिल मेहरा के नाम की वजह से दोस्तों उस न्यूज़ को फेक समझ रहे थे। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको कम्युनिटी टैब पोस्ट भी डाल दिया था, तो आपने अगर वो टैब नहीं देखा है या वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है, वो जा करके देख लेना पहले। और दोस्तों चैनल के टैब सेक्शन में जा करके आप कम्युनिटी सेक्शन में जा करके वो पोस्ट भी देख सकते हैं जिसमें दोस्तों NCR जो इस चीज़ के लिए एक्सटेंशन के लिए राजी हुआ है और वो शर्त के बारे में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी ट्रेनों की डिमांड है एक्सटेंशन के लिए, वो चल रही है और मेन मेन जो ट्रेनें हैं मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो ट्रेनें हैं जिनका लगभग लगभग एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया गया है उसके बारे में मैं बात करूँगा। इस लिस्ट में सबसे पहले जो ट्रेन है दोस्तों वो ट्रेन है हावड़ा मथुरा चंबल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक्सटेंशन अलवर रेवाड़ी भिवानी के रास्ते हिसार तक, जिसका लेटर दोस्तों आपने बहुत सारे ग्रुप्स में देख लिया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो वायरल भी हो रहा है काफ़ी सारे रेल फैन ग्रुप्स में। तो दोस्तों लगभग उसका एक्सटेंशन अप्रूव हो चुका है, यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम में, हो सकता है अगले महीने में जो जून महीना आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर ये गुड न्यूज़ देखने को मिले कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक जो ट्रेन चलती है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पैसेंजर दोस्तों, उसका एक्सटेंशन अलवर तक, उसके बाद में जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन करने के लिए, मेमू ट्रेन का संचालन करने के लिए, सीकर से जयपुर होते हुए आगे दोस्तों सवाई माधोपुर तक ट्रेन संचालन के लिए जो डिमांड रखी गई थी उसको भी लगभग लगभग अप्रूव कर लिया जाएगा। और दोस्तों रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस जो है उसका एक्सटेंशन की भी बात यहां पर रखी जा रही है कि इसका जो एक्सटेंशन है वो है फिरोजपुर तक, दोस्तों वो कर लिया गया है। रूट हालांकि अभी इसका डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों बस अभी तक ये न्यूज़ निकल करके आई है कि रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस जो है दोस्तों उसका एक्सटेंशन वो पास कर दिया गया है। लेकिन अभी दोस्तों दिक्कत के सामने ये बात निकल करके आती है कि इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान हमसफर एक्सप्रेस जो है वो रेक शेयर करती है इसके साथ में, तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस ट्रेन का एक्सटेंशन के लिए। लेकिन फिर भी लोगों का जो न्यूज़ निकल करके आई है, काफ़ी हद तक निकल करके आई है, तो हो सकता है इस ट्रेन का एक्सटेंशन पास कर दिया गया हो। मद्रास यानी कि चेन्नई सेंट्रल से लेकर के दोस्तों अहमदाबाद के बीच में चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस का भी एक्सटेंशन जो है दोस्तों वो हिसार तक कर दिया गया है। हालांकि रूट जो है वो अभी डिस्कस नहीं किया गया है, मोस्ट ऑफ द चांस है कि दोस्तों ये जो ट्रेन है जोधपुर मेड़ता रोड के रास्ते हिसार तक जाए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी छोटा रूट है और उसके बाद में जो दोस्तों दूसरा बड़ा रूट है वो सिर्फ 46 किलोमीटर का जो गैप पड़ता है दोस्तों वो है जयपुर रेवाड़ी वाला जो सेक्शन है दोस्तों, उस सेक्शन से अगर इस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाए तो। और भी दोस्तों बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आगे कभी बात करेंगे। अगर आप लोग डिमांड करते हैं दोस्तों मैं बिल्कुल आपको अगला इसका जो पार्ट है वो भी लेकर के आऊँगा। तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सबको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना यार, बहुत टाइम से नहीं बोला है अभी बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।